और मैं अगर टेररिस्ट बुला लूं आपको तो आप क्या करेंगे? कोई टेररिस्ट आतंकवादी बिट्टू साहब की डिक्शनरी में बहुत छोटा शब्द होता होगा, शायद वो इन लोगों के साथ रहते होंगे इसलिए उनको शब्द का बड़ा नहीं लगता, लेकिन राहुल गांधी के लिए एक आक्षेप है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आक्षेप और आरोप है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने टेररिस्ट कह दिया, आतंकवाद, उसमें आपने एड इंसल्ट टू इंजरी, आप उसके बाद पूछ रहे मैंने क्या कहा? आतंकवादी कह दिया संवैधानिक पोजीशन को और पूछ रहे क्या कहा मैंने? तो इसका जवाब तो मैं समझता हूं कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा, कड़ा मिलेगा, सीधा मिलेगा, संक्षिप्त मिलेगा और ठोस मिलेगा और थोड़ा दर्दनाक भी मिलेगा। बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृहमंत्री के बारे में, इस देश के गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझ कर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी, सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे, उनके प्रमोशन को रोक देंगे, उनको विक्टिमाइज करेंगे। ये नहीं कि जिन लोगों ने यह बोला है उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कानून के अंदर गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों के प्रमोशन का रास्ता ऐसे वक्तव्य हैं। ये वक्तव्य है पासपोर्ट, प्रमोशन का पासपोर्ट, अपने फायदे के लिए, बोनस लेने के लिए, दंडित होने के लिए नहीं। आप सोचिए किसी देश में, अभी एक ऐसा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और देशों में और जगहों पे, तो पूरे प्रतिद्वंद भी हो तो भी वहां के उच्चतम लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई जगह नहीं है गणतंत्र में। एक वाक्य, एक शब्द नहीं निकला माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री या किसी वरिष्ठ नेता से, वाक्यों से नहीं निकला, डर के मारे, भय के मारे। लेकिन इससे संदेश क्या जाता है? संदेश जाता है कि और करो, और करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय हालत बना दी है इस लोकतंत्र और गणतंत्र की। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि अभी भी इस देश में कुछ कानून बचा है, कुछ न्याय बचा है, न्यायपालिका बची है, ढांचे बचे हैं, संस्थाएं बची हैं, और हम हर कानूनी तरीके से उसका प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों को सही रूप से कानून के अंतर्गत दंडित करने के लिए। अगर वो समझते हैं कि इस देश में कोई कानून नहीं है,
अगर वो समझते हैं कि जो कानून के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जो अहम पदों पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, उससे वो बच जाएंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक कानून इतना लंगड़ा या लूला नहीं हुआ है, अभी तक कानून इतना बहरा या अंधा नहीं हुआ जितना आप समझते हैं। हम कानून के दरवाजे खटकाएंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो कड़े से कड़ा दंड होता है संहिता के अंदर, जो कड़े से कड़ा दंड होता है, वो हम दिलवा के छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन ये काम न मुझे करना चाहिए, न वेणुगोपाल जी को करना चाहिए, न कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये तो अग्रिम पंक्ति में आकर मोदी जी को करना चाहिए था, उससे उनको सराहना मिलती। लेकिन अंदर का द्वेष, अंदर की भावना, अंदर की गुस्सा, अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है कि वो करने में बेकाबिल है। ये दुर्दशा है, ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस पद का। और ये एक चीज और दिखाता है, ये दिखाता है कि बीजेपी इज अ पार्टी इन पैनिक। दीज स्टेटमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट फॉर द लास्ट डेकेड every time Rahul Gandhi has raised his voice on any issue about a community, about fear mongering, about minorities, the BJP has gone into panic mode. Look at the supreme irony, and this they have done when Rahul Gandhi raises his voice about SCs, STs, OBCs also. They have only responded in one manner, calling him anti-national. Look at the supreme irony of this. This irony is very, very funny, sad and ironical. Please ask any BJP person, when those three black farmer laws were passed, what did the BJP party say about this community, about the farming community? The memes, the tweets, the abuses, the anti-national tirade against them. About these very people, please check up the social media. Check up the 2021-22 period. You can't hide it. And they are the persons calling us the anti-national. They have said it about this whole community so many times. And I would like to throw a counter challenge to give me one example where the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister intervened at that time when their chosen agents were abusing this very community or this very farming samudaya. I think that democracy requires a democratic response. That democratic response may be a little late in coming, but come it will. It will demonstrate that BJP's sinister strategy of threatening, of terrorizing and trying to torment Rahul Gandhi ji is going to make him more muscular and more mighty. It will show that this government, this ruling party is clearly instigating, inciting and igniting hatred, a terrible invitation to violence against a constitutional leader of the opposition. This is the tragedy of Indian democracy. It is of course a tragedy of the ruling party, but above all it is a tragedy of the Indian democracy. And I would end by repeating that there may be a slight delay because of the yantra tantra which you are used to using, but let me assure these miscreants, these people who don't deserve to hold constitutional positions, that judgment day is not far away. Thank you.